देते हैं, वो कमाते ही लड़की को देते हैं, वो तो रिटायर और टीचर उसको दे रहा है। मैं कह रहा हूँ उल्टा होना चाहिए, तो उल्टा होना चाहिए। इस तरह के सिस्टम को इन्होंने पोल्यूटेड कर दिया है कि इवन की जिनको जो मेडिसिन के एंटाइटल नहीं है, मसलन अगर एक हस्बैंड वहाँ पर 50,000 रुपए कमाता है और उसकी वाइफ 25,000 रुपए कमाती है, वो कहती है कि मैं इसे मेडिसिन लूंगी, कोर्ट क्या करता है कि पहले 25 और 25 आधा करता है, किंतु 25 बस उसमें ज्यादा दे देता है। मैं ये पूछ रही हूँ कि गवर्नमेंट तो ये ओल्ड पर्सन को 200 रुपए पेंशन देती है और ये जो यंग टॉटरिंग ला रहा है जो कमा सकती है उसको हजारों लाखों क्यों कहती है दे दो इसको, ठीक है ना? हर साल ये आपके आप क्या सफर कर रहे हैं तो कोई देखने वाला नहीं। ये टोटल जो कि नेचर के लिए बना था कि हम कितने लोग यहाँ पर हम प्रोटेक्शन दें, कितने लोग नहीं, वो तो ये करेगा मेरे साथ बना रहे हैं मेरे को तो कौन से कहते हमने बनाया, वो तो कह रहे हमने बनाया क्लियर करके मालूम नहीं आप क्या करोगे, वो कह रहे वो घर हमने बनाया प्रॉपर्टी मानते हैं उसके लिए ब्लैक बिल्डिंग एक्सपर्शन है। मैं नहीं आपको जैसे रहता है आपके परिवार पर जो बिल्कुल निर्दोष है उसके उसको साबित होने में लगे 8-10 साल, ठीक है, बहू हो गई दोषी साबित कि गलत केस किया था। उसके बाद वो जो परिवार था जिसमें 10 साल ऊपर किसी का ताले लगा दिए, उसके बाद वो बहू का केस डाले कि तूने दोषी गलत केस और इसके लिए मैं प्रेस वालों से निवेदन करूंगा कि जो भी आउटकम हो और इसके खिलाफ के स्केल पे इसको जो है डेलीवर करें, तो इससे कि एक लोगों में मैटर जाए इस तरह की बातें मुझे नहीं होगा। लगभग 10:30 बजे बेंच बैठेगी और 11 बजे तक मैटर बच जाएगा। खाना पूरा और एक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट हु आर ट्राइंग टू मिसयूज द पावर ऑफ स्टेट एंड सेल्फ टू स्टॉप इट विद यू। तो मेरे पास जिस भी गवर्नमेंट का जो क्लियर ही बयान से जवाब आया है वो ये कहते हैं नो सर सिस्टम का अवेलेबल इन स्टेट ऑफ सेल्फ, ये देखो तो साइन लेटर आया मेरे पास है, तो मैं यही क्या बोलूँ एक्चुअली, यही क्या बोलते हैं कि आप ICT एक्ट लगा रहे हो और पार्षद कर रहे हो, लॉ ये नहीं कहता कि आप एक को बजा रहा और एक को and police should insist upon the compliance of rules and not during race act and should not entertain any complaints if the rules have not been followed. बाबू कहते हैं अब इसमें क्या है, इसमें रूल है जो कैन बी साइन बाई बोथ ऑफ ब्राइड एंड ब्राइड रूम, इसमें एक और कहता है दिस शुड बी प्रिपेयर एज सून एज द मैरिज सर्टिफिकेट। देखिए ये जो आप बातें बोल रहे हैं ये सब डाउन प्रोहिबिशन एक्ट में ऑलरेडी है। नहीं उसको ये तो सर क्या आपको मालूम नहीं है क्या वो सबको मालूम है, तो जो भी आपका जो सवाल है उसका एक पहलू वो है कि मैरिज है, लेकिन बस रिपीट करूँगा दो बातें हैं, देयर आर टू रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर लॉ। एक है कि दिस इज नॉट ग्राफिक ज्यूडिशियल, इस लॉ में कोई इनहेरिट बैलेंस ही नहीं, इट इज इम्पॉसिबल फॉर द अक्यूज्ड टू प्रूव दैट ही हैज नॉट टेकन आउट।
And on the other hand, there is no provision, see, even if a girl comes in life or the family life, that there will be any penalty on them. What then is going to stop people from putting on the table? If he person, if they false accusations, false case, prosecute, and you will see all false cases that are natural in them. So that is the first thing. That it is laughing, I think, almost as if we are encouraging more and more false cases to come through. See, one person puts a false case, make 10, 15, 20, 9. There are 10 other people sitting on the fence and watching. See, they put on the shadi to chali me, chali, ya, ya, na, ya. Lekin, at the end of it, settlement was acha hua, divorce was jaldi ho. So why will 10 other people also not come and find a false case? So one, initially the law legislator, the law is not drafted judicially. It is not inherently ye hona chahiye ki theek hai, jo weaker party hai, jo aggrieved party hai, aap usse kuch special provision de rahe hain. That special provision cannot be such that the accused has get unfairly. Accused ko de, fair treatment mile, aur aggrieved ko agar aap kuch special treatment dena chahte hain, tab so. दूसरी बात है इम्प्लीमेंटेशन की स्टेप. सी व्हाट एवर लॉ वाज मेड वाज मेड. नाउ द सेकंड एस्पेक्ट इज हाउ वाज इट इम्प्लीमेंटेड. इट वाज नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड ऑन द ग्राउंड. सो व्हाट एवर इज वाज ऑन द हैड द इम्प्लीमेंटेशन बीन ऑन इट इट कुड स्टिल हैव बीन टैकल टू अ सर्टेन एक्सटेंट. बट देन लुक एट द टाइप ऑफ पीपल हु टेक द डिसीजन whether they got an arrest over and he got caught or arrest over कितने दिन बाद है. You have given such power to the most knowing official that you could possibly give. See, most of you are semi-literate or illiterate. If the FIR is in English, they cannot even, understand half of it. Then they replicate. No, this is people who have gone through the, entire thing, so they know. When they finally write a report of their own, they cannot actually bring a report.